सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की फैमिली पहुंचती है कार्तिक के घर, नायरा और कार्तिक के शादी के शगुन लेकर, और मनीष उनकी इंसल्ट करते हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। नायरा और कार्तिक अब फिर से एक हो गए हैं। सिंघानिया परिवार की भी कार्तिक को लेकर सारी गलत फहमियां दूर हो गई हैं। सिंघानिया परिवार शुरू से ही कार्तिक और नायरा के रिश्ते के लिए तैयार था। कार्तिक अब डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बेटी नायरा की जिंदगी में खुशियां लाएंगे, क्योंकि अक्षरा हमेशा चाहती थी कि उसकी बेटी नायरा हमेशा ही खुश रहे। अक्षरा के जाने के बाद से नायरा ने पूरे घर को और बिजनेस को संभाल लिया है, तो अब नैतिक सोचते हैं कि वो अपनी बेटी नायरा की पूरी जिम्मेदारी खत्म करे। इसीलिए सिंघानिया परिवार डिसाइड करता है कि वो कार्तिक के घर जाएंगे नायरा और कार्तिक का रिश्ता पक्का करने के लिए। नैतिक, भाभी माँ और राजशेखर सब मिलकर कार्तिक के घर जाते हैं और नायरा और कार्तिक के रिश्ते की बात करते हैं। कार्तिक ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कार्तिक तो कब से नायरा से शादी करना चाहता है, और आज फाइनली उसका सपना पूरा होता है जब सिंघानिया परिवार उसके घर आया है शगुन लेकर उसके और नायरा की शादी की। मनीष इस शादी के खिलाफ है और वो सिंघानिया परिवार की बहुत इंसल्ट करते हैं और बोलते हैं कि वो उनके बेटे को फंसाना चाहते हैं। कार्तिक अपने पापा पर बहुत चिल्लाता है जब वो सिंघानिया की इंसल्ट करते हैं, और वो उनको बोलता है कि मनीष हमेशा से ही उसकी खुशियां छीनना चाहते हैं। अब देखते हैं कि कैसे कार्तिक और नायरा की शादी होती है। इस शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।